गांव का नाम क्या है? सुनतू है। सुनत्याल लोग बैठते इधर है। अच्छा, गंगा का पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बहाव तेज है इसका, गौरी गंगा का। धूप आ चुकी है और ये खड़ी जलाई आशीषा और दीपक दा आ रहे हैं और ऊपर धूप आ चुकी है और आगे चलते हैं मैं बंदार की ओर। काफ़ी देर चलने के बाद अब एक ये छोटा सा ढाबा सा मिला है, वहाँ पे देखते हैं। ये पीछे है जस्ट इधर की साइड, और कुछ चाय पानी नाश्ता वगैरह करते हैं या देखते हैं दोस्त वगैरह क्या कहते हैं, जो ग्रुप है मेरा, या आगे चलते हैं देखते हैं। आपको बताता हूँ, बबलधार से आगे आ गए हैं और इस बार ये नीचे वाला रास्ता हमने चूज़ करा है। पिछली बार हम मैनसिंह टॉप से गए थे ऊपर, और इस बार हम जा रहे हैं बबलधार से ये नीचे वाले रास्ते से, जो कि पूरा कीचड़ से भरा पड़ा है और थोड़ा टफ भी है। मतलब ये आ रहे हैं दीपक दा, कैमरे की भैंस की इज्जत भी नहीं रख रहे दीपक दा। गांव का नाम क्या है? सुनतू है। सुनत्याल लोग बैठते इधर है। अच्छा अच्छा, तो ये गर्मियों में आते होंगे खाली यहाँ पे हैं अक्टूबर तक, उसके बाद जो भी रहा। अच्छा, सितंबर मेला लगता है ना। हाँ। अच्छा, और अब ये खच्चर कब से चला रहे हो आप? कितने साल हो गए? 24-25 साल हो गए। अच्छा, पहले आप ज्यादा रहे होंगे। अच्छा, अच्छा, आप अकेले आदमी, एक आदमी तीन ही खच्चर तो चला पाता ज्यादा, पर जवान रहे आदमी तो है ना। अच्छा, पैसे की कमी है तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये कौन सा है? अच्छा, एक सेकंड। हाँ, क्या नाम है उसका? खिलाच। खिलाच है उस गांव का नाम, ठीक है। अच्छा, हाँ, सूरज कुंड को, ये परिताल को। अच्छा, जो है टूरिस्ट जाने लगे परिताल के नाम से। अच्छा, कितना दूर है ये दुंग से? 4 किलोमीटर। अच्छा, चढ़ाई होगी सीधा? अच्छा, चढ़ाई है। अच्छा, वहाँ मतलब देखने लायक से है। तुमसे जाते हैं? हाँ, तुमसे जाने से बमराज बैठेंगे। हाँ जी, बमराज। अच्छा, जगह खाली जगह है ना, थोड़ा बैठने लगे टेंट वेंट डालने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, और पानी भी है। अच्छा, तो आज बैठते हैं। हाँ जी, उसके बाद दूसरे दिन जाते हैं हम। अच्छा, पहली तरफ। अच्छा, टोपी डूंगा। अच्छा, वो पर्वत हुआ ना, चोटी वहाँ पे टोपी डूंगा। टोपी डूंगा पहले बैठते थे वो, ये पीडब्ल्यू वाले भी बैठते थे। अच्छा, पीडब्ल्यू में ही आदमी नहीं है, कहाँ बैठेंगे। अच्छा, ये बेंचेस वगैरह तो उन्होंने लगा रखे ना, पीडब्ल्यूडी और एडीपी? नहीं, पीडब्ल्यू वाला। अच्छा ठीक है, वहाँ ये गिरी कोई नहीं। अच्छा,
ठीक है, तो आप गए हो मतलब वहाँ तक है? ऊटू तक गया मैं। ऊटू तक है, वहाँ से उधर गया भी नहीं। कितने कितने दिन चाहिए यहाँ से जाना हो अगर मीलम से? मीलम से लगभग रास्ता मीलम से ही है ना? हाँ मीलम से ही। अच्छा कितना मीलम से ही? कितना टाइम लग जाएगा मीलम से? लगाओ तुम एक दिन दूंगा, लगाओ एक दिन दूंगा। और पराग के हिसाब से कितने किलोमीटर भी बताते रहना कितना है मीलम से? मतलब मीलम से दूंग कितना है? 4 किलोमीटर दूंगा मीलम से। फिर आगे वहाँ से 4 किलोमीटर वहाँ मान के चलिए। कहाँ? परिताल। परिताल से थोड़ा नीचे। क्या नाम है? परिताल ही लगा दो। परिताल ठीक है। ओके। बमराश में बहने वाले हुए। अच्छा। दूसरे दिन परिताल होते हुए हाँ फिर उटू होते हुए गंगपानी जाने वाले हुए। गंगपानी। अच्छा गंगपानी भी नाम है वहाँ। अच्छा गंगपानी गाड़ी में भी लिखा रहा था ना गंगपानी। यहाँ होटल तो था उनका वहाँ गंगपानी। अच्छा तो गंगपानी क्या है? एक चोटी है? नहीं नहीं पहले ये था कि वहाँ गंगपानी का होटल था मतलब। अच्छा वहीं पे? हाँ वहीं पे आलू हालू जो भी था मतलब जो ऊपर जाते थे वहाँ तो होटल था मतलब। छोटा मोटा सामान मिल जाता था वहाँ पे? चाय पानी परांठा वगैरह? चाय पानी जो भी है नाश्ता पानी जो अच्छा वहाँ मिल जाता। अच्छा तो ये मतलब ये परिताल के बाद ही आता है? परिताल के पहले। अच्छा ठीक ढूंग होते हुए। अच्छा पहली तरफ। अच्छा टोपी डूंगा मान के चलिए। अच्छा वहाँ टोपी डूंगा थोड़ा आगे जाके गंगपानी हुआ। ठीक है तो गंगपानी में जो है इनका होटल था जो गंगपानी ये मुंशारी में इनका गंगपानी का। अच्छा होटल था पहले उसका दाद बुबू का कुछ। अच्छा बुबू वगैरह करा होगा ना? बुबू का होगा दाद उसके बड़े परदादा वगैरह करा होगा उनका होगा। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद फिर यहाँ भी गंगपानी के नाम से उन्होंने खोल दिया। खोल दिया यहाँ भी होटल। अच्छा ओके ओके तो बढ़िया है वहाँ की जगह बढ़िया है। अच्छा वहाँ से हम नीचे नहीं गए ना मतलब। अच्छा वो मतलब बॉर्डर पर ही है पूरा है? हाँ बॉर्डर वहाँ से आते सिपाही लोग। अच्छा तरफ से। अच्छा आजकल तो कोई नहीं रह रहा वहाँ पे? बड़वाल आते आते। अच्छा आजकल कोई रह रहा है वहाँ गंग पानी में? रहते होंगे। रहते होंगे? हाँ रहते होंगे। अच्छा पर आप टूरिस्ट वालों को कम ही जाना होता है वहाँ है? हाँ ठीक ठीक ठीक। यहाँ से नहीं जाने देते ना अब। अच्छा क्योंकि आप ये अब वो देहरादून से परमिट बना के जाते होंगे देहरादून साइड से? अच्छा यहाँ से तो मना कर दिया ना इसने यहाँ मुंशारी का SDM ने मना कर दिया। जो है ये लोकल आदमी बकरी बकरी जाते हैं। हाँ वो जा सकते हैं पूरा परमिट बनता है उनका भी। हाँ कितनी बकरियाँ क्या है ना आदमी जो भी है उनके पास। हाँ सबका परमिट उसका तो मेरे ख्याल फ्री में बनता है परमिट ना बकरी वालों का? बनता पता नहीं फ्री बनता है पता नहीं पैसे देते हैं। अच्छा पता भी नहीं अब हमने कभी किया होता है परमिट बनाया होता तो पता चलता हमको। अच्छा ठीक ठीक चलो के लिए सही जगह है ना। अच्छा हरियाली ज्यादा है ना? ठीक है चलो ये आप ये दादा ने आपका शुभ नाम क्या दादा? सुरेश सिंह पंचवाल। सुरेश सिंह पंचवाल जी आप और गांव कहाँ हुआ आपका? गांव पासू हुआ सर। पासू हाँ। तो पासू के रहने वाले हैं सुरेश सिंह पंचवाल। इन्होंने हमें जानकारी दी कि मीलम से 4 किलोमीटर की दूरी है दुंग गांव की और दुंग से 3 या 4 किलोमीटर के बाद है परिताल जो कि पीछे पहाड़ की तरफ है और वहाँ से आप गंगपानी के लिए जा सकते हैं जो कि बहुत ही एक प्यारी जगह है और मुंशारी में भी उनका एक होटल वगैरह है और उनके पूरे पूर्वज वगैरह रहते थे वहाँ पे और आजकल भी शायद रहते हैं वहाँ पे ITBP वगैरह जो जवान जाते होंगे आर्मी वगैरह के तो उनके लिए मतलब खाने वाने की व्यवस्था वो करते हैं। तो यहाँ से तो अभी परमिट का सिर्फ बकरी वालों के लिए है इन्होंने जैसे जानकारी दी टूरिस्ट का कमी है यहाँ पे परमिट का इतना कुछ है यहाँ पे लुच्चा बट देहरादून और ऋषिकेश से होते हुए आप गढ़वाल साइड से जा सकते हो उधर गंगपानी साइड। चलो धन्यवाद दा आपका बहुत इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये खच्चर आ रहे हैं सामान लेके जा रहे हैं और इधर थोड़े और दिखाता हूँ जूंगर इधर और आ रहे हैं ये देखिए खच्चर और आ रहे हैं और खच्चर बहुत खतरनाक चढ़ाई है। हाँ ये चढ़ाई है खींचे मैं मच्छर भी है ना बहुत। हाँ मच्छर हाँ। भी कहाँ से आया आज? मीलम से। मीलम हाँ चलो 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 हाँ हाँ ओ स्पीड में चलते हुए पूरी रफ्तार में बढ़ते हुए आशीष द्वारा GoPro निकाल दिया मेरे ही कैमरा ऑन होते हुए। वो बंदा आग बोलते थे हमने भी सुना था। अच्छा अपने आमा बुबू से? अच्छा आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो मैंने बहुत पहले से हूँ ऊपर ही है वो थोड़ा
अच्छा सर्दियों में आ जाते हो यहाँ पे, गर्मियों में आजकल यहाँ आ जाते हो, सर्दियों में चले जाते हो? मुंशहरी रहने वाले हुए? ठीक 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 ठीक, चलो ठीक हो, चलो अच्छा लगा मिल के आपसे। हमारे रास्ते में बकरी, मैंने पहले से निकाल लिया था दादा, और ये पूरे रास्ते में हमारे बकरी निकल रखी है, बैठी हुई है, रास्ता पूरा जम बंद कर दिया है। और ये देखिए पूरे पूरा इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है पूरा। आज सीधा अभी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रही है निकलने में। ये पुल क्रॉस कर रहे हैं हम, देख सकते हैं बहुत हिल रहा है। और उधर उधर बूढ़ी गंगा बह रही है, ये देखिए ये गोरी गंगा बह रही है, इधर से एक और नदी मिल रही है। फुल हम यहाँ से चढ़ाई ही चढ़ेंगे ऊपर की ओर। क्या है ये बेहतरीन नदी, बहुत ही खतरनाक। फाइनली धूप आ चुकी है और ये खड़ी चढ़ाई, आशीष दा और दीपक दा आ रहे हैं, और ऊपर धूप आ चुकी है और आगे चलते हैं मैं बलदार की ओर। और जाते जाते भी ये दिखने को मिल रही है बकरियां रास्ते में, और देखिए कितना बड़ा है भाई साहब। काफ़ी देर चलने के बाद अब एक छोटा सा ढाबा सा मिला है, वहाँ पे देखते हैं। ये पीछे है जस्ट और कुछ चाय पानी नाश्ता वगैरह करते हैं, ये देखते हैं दोस्त वगैरह क्या कहते हैं, जो ग्रुप है मेरा क्या आगे चलते हैं देखते हैं। इस तरीके से ढाबा है, और इस बार हम नीचे वाले रास्ते से आए हैं, मेन सिंह टॉप वाले रास्ते से नहीं गए, क्योंकि वाला रास्ता तो देख लिया था, इसमें चढ़ाई तो नहीं है वैसे इतनी ना, हल्की हल्की सांस फूल रही है। ऑमलेट लिया है, और ऑमलेट के साथ ये है हमारी टिपिकल पहाड़ी चाय, इसका आनंद ले रहे हैं। आशिदा कैसी है चाय? टिपिकल पहाड़ी चाय जैसा कि हमें जेम्स ने बताया। वाह, और वहाँ पे दीपक भाई देख रहे हैं बैग वैग को, एकदम सेट कर रहे हैं मामला। और यहाँ पे कुदरती यहाँ पे पानी का स्रोत भी है, ये ऊपर से आता है पानी, ये बता रहे थे ऊपर इधर साइड से जंगल से बबलधार से आगे आ गए हैं। और इस बार ये नीचे वाला रास्ता हमने चूज़ करा है, पिछली बार हम मैनसिंह टॉप से गए थे ऊपर, और इस बार हम जा रहे हैं बबलधार से ये नीचे वाले रास्ते से, जो कि पूरा कीचड़ से भरा पड़ा है और थोड़ा टफ भी है। मतलब ये आ रहे हैं दीपक दा, कैमरे की भैंस की इज्जत नहीं रख रहे दीपक दा। फाइनली अभी बैठ चुके हैं टैक्सी में, और ये सुमत्याल ब्रदर्स की ही टैक्सी है तो नीलम से, जो कि हमें मुंशहरी तक छोड़ेगी, और उसके बाद हम मटकोट जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही रोमांचक भरा रहा, आशीष दा है, दीपक दा है, और गाइड जो हमारे विक्की दा थे उन्होंने मतलब बहुत ही सपोर्ट करा, और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कह सकते हैं एकदम रोमांचक भरा था। और अगली बार हम ऐसा ही और एक और ट्रैक चलेंगे और आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से कि किस तरह से आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है। और सीरियसली जो ये नज़ारे हैं कुदरत के, सीरियसली सुकून जो है यहाँ पे सिर्फ वो यहीं पर पहाड़ों पर है, और ये इसलिए ही मुझे हर बार खींचते हैं शहरों से अपनी ओर।
तो देखिए क्या कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे, और देखिए ठंडी हवा एकदम लग रही है फेस पर, और हमारी जो गाड़ी है संतल ब्रदर्स की देखिए कितनी एकदम सुपर फास्ट चल रही है, और नीचे गोरी गंगा का तेज बहाव। तो दोस्तों अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जय मां नंदा देवी, जय हिंद।